काठगड़ा दिल्ली सरकार आशा किरण सेल्टर होम रे सीरीज डेथ कोड़े दिन में 14 अंतेवासी मृत्यु को नहीं दिल्ली सरकार को एनसीपीसीआर नोटिस 27 रु अधिक मृत्यु अभियोग परे चेतिले दिल्ली सरकार सेल्टर होम सीरीज डेथ घटनार मजिस्ट्रेट जांच निर्देश आशा किरण सेल्टर होम रे जणे परे जणे अंतेवासी मृत्यु को नहीं काठगड़ा दिल्ली सरकार 20 दिन मध्य 8 बालिका समेत 14 जन अंतेवासी मृत्यु को नहीं दिल्ली सरकार को घेरी बीजेपी मासे मध्य 27 जन मृत्यु अभियोग पर भी चेई सोइथिबा दिल्ली सरकार मुंडरु दोष खसाइबा को चेष्टा करी विफल होइछंती मृत्यु घटनार रिपोर्ट मागिबा सह दिल्ली सरकार देइछंती मजिस्ट्रेट जांच निर्देश दिव्यांग और निराश्रयक मृत्यु घटनार दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करी एनसीपीसीआर आशा किरण सेल्टर होम रे पानी समस्या सह अव्यवस्था अभियोग करिछंती महिला कमिशन अध्यक्षा रेखा शर्मा हां डेफिनेटली हम दिल्ली सरकार को इस मामले में नोटिस करके उनसे जानकारियां मांग रहे हैं जो जानकारियां हमको प्राप्त होंगी उसमें हम देखेंगे कि कहां कहां किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ किन परिस्थितियों में बच्चों की जान गई है उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे दिल्ली में जो चिल्ड्रन होम्स हैं मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि एनसीपीसीआर ने एक पोर्टल बनाया है एक मॉनिटरिंग ऐप बनाया है और उस ऐप का एक्सेस हमने दिल्ली सरकार को दिया है उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस ऐप के माध्यम से चिल्ड्रन होम्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स अपलोड करिए इंस्पेक्शंस करिए दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दिल्ली सरकार चिल्ड्रन होम के इंस्पेक्शंस को लेकर के उदासीन है वो इंस्पेक्शन करते नहीं अगर इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो अनियमितता रहेंगी और इस तरीके के हादसे होते रहेंगे इसमें सबसे ज्यादा प्राइमा फेशिया ये मिला है कि पानी एक तो कंटेमिनेटेड है फिल्टर्स प्रॉपरली लगे नहीं हुए अभी मैं किचन में होके आई हूँ वहां पर भी फिल्टर नहीं है पानी जो भी आ रहा है जो भी बच्चों को पिला रहे हैं और जितने लोगों की डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है ये भी पाया गया है कि 4 घंटे के अंदर अंदर एक बच्चे की डेथ हुई है डायरिया होते ही उसमें भी ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है जहां पर सिर्फ 250 लोगों के रहने की जगह है महिलाओं की वहाँ पर 495 लोग रह रहे हैं इस गर्मी में आशा किरण उसमें महीने भर में दर्जन बच्चे एक्सपायर कर गए ये आशा किरण क्या होता है आशा किरण जो हेल्पलेस बच्चे होते हैं जो दिमाग से असहाय बच्चे होते हैं उन लोगों को आशा किरण में रखा जाता है ऐसी घटना आशा किरण में पहले भी हो चुकी थी जब मैं अध्यक्ष था ये पश्चिम बिहार के तरफ मुझे एक जगह जाना पड़ा था वहाँ भी दर्जन के आसपास बच्चे इसी तरह से मौत के मुंह में समा गए हैं जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें पता चलता है कि बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल 250 जन रहिबाको व्यवस्था थिबा रोहिणी आशा किरण सेल्टर होम रे 495 जन को रखा जाइथिला ना थिला पानीय जल व्यवस्था ना शौचालय एपरिकि अंतेवासी को एठारे खाइबा को दिया जाउ नथिला रोगग्रस्त हेबा परे भी अंतेवासी को हॉस्पिटल को निया जाउ नथिबा अभिजो करिछि बीजेपी सेल्टर होम रे आश्रय नारे दिल्ली सरकार जीवन सह खेलुथिले बोली कहिछंती साजिया इलमी सेपटे सेल्टर होम प्रति राज्य सरकार अवहेला करिथिबा कहिछंती आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अब दिल्ली सरकार किसको ब्लेम करेगी किसके सर पर दोष मड़ेगी इसके लिए एलजी साहब जिम्मेदार हैं इसके साथ एमसीडी कमिश्नर जिम्मेदार हैं इसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है कि इसके लिए दिल्ली का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है कैसे मौतें हुई इन बच्चों की इससे पहले इनके लिए कुछ क्यों नहीं किया गया मतलब इतनी गलीज किस्म की इतनी राजनीति इनकी हो गई है
मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने यहां जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी, मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहां पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हीलचेयर्स नहीं है, रेंग रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं, वहीं कॉरिडोर में उन्हें शौच करना पड़ रहा है। कई बच्चे जो कि हिल नहीं सकते, जो कि छोटे हैं, उनको अपने ही बिस्तरों में शौच करना पड़ रहा था। पूरे हालात इतनी गंदगी थी, इतना बदबू था, मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा हाल था। हमने यहां तक देखा था कि किस तरीके से कुछ स्टाफ महिलाओं को नहलाने के बहाने से वहीं उनको कॉरिडोर में नग्न अवस्था में खड़ा करते थे और उसके बाद सीसीटीवी कैमरास को कुछ आदमी मॉनिटर करते थे। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था और वो भी कुछ घंटों के लिए। इतनी स्ट्रांग रिपोर्ट बना के हमने दिल्ली सरकार को दी, तब भी कुछ इंक्वायरी हुई थी लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। सेल्टर होम रे अधिक अंतेवासी और अव्यवस्था को नहीं अवगत थिले दिल्ली सरकार, दायित्व रे थिबा कर्मचारी का अभियोग सुनी नथिले दिल्ली सरकार। एबे स्थिति संगीन होईछि, जारी होईछि एनसीपीसीआर नोटिस। दिल्ली सरकार का परवर्ती पदक्षेप उपरे समस्तक नजर रहीछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। सीमा तू प्लस 2 परे कोन करबू? बीएससी नर्सिंग। आउ तू? एमआरटी। तू? बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कोन करबू? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। आउ तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कोन पढिबू? मु तो बीपीटी पढिबी। अच्छा मैं कोठी पढिबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दो। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।